फारसी आपको आती है समझ? इम्पोर्टेंट वो करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक दफ़ा पूरा सिलेबस रिपीट करवा दूं ताकि आपकी मेमोरी ताज़ा रहे, फ्रेश रहे, और स्क्रीन भी विजिबल हो जाएगा, बस आप हौसला रखें। सबा, अगर आपने पीएमएस करना है तो सीएसएस में उर्दू लिटरेचर नहीं, पीएमएस में उर्दू लिटरेचर नहीं है। अगर आप ऑप्शनल की बात कर रही हैं तो फिर एक जगह की तैयारी दूसरी जगह काम आ सकती है, लेकिन अगर कंपलसरी की बात कर रहे हैं तो सीएसएस में तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन पीएमएस पंजाब की बात कर रही हैं आप बलूचिस्तान की, तो वहाँ जो वो है कंपलसरी उर्दू, वो लिटरेचर का कोर्स नहीं है। की तस्वीर वगैरह इस तरह के सवाल होते हैं। उर्दू ऐसे के लिए प्रैक्टिस करें और वेट करें कि मेरी जो ऐसे की किताब है वो फाइनलाइज हो जाए, फिर आपकी हेल्प हो जाएगी। आपने क्या पूछा था बलूचिस्तान सर्विस के हवाले से? चलें बात करते हैं लेक्चर के बाद। कलमे की एग्जाम, इसम, फेल, हर्फ, अज्जाए Recording in कलाम, progress. पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको कहते हैं, जिसमें जमीर था, हुरूफ और सिफ्त वगैरह, वो आपने इसम क्योंकि गया फेल था, घर मुतलिकात, फेल के मुतलिक कोई बात की जाए किसी जुमले में, या मुरक्कब लफ्ज में अल्फ जी फ्रे मुतले, और कोई बात कही गई है कि वो काम कहाँ पे हुआ, किस पे हुआ। मेन टॉपिक तरकीबी फेल है। अब देखें, जैसे अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब से बनते हैं, जैसे आप कहते हैं लुक डाउन, लुक क्या है, वर्ब है, और डाउन एडर की भी अफाल है उर्दू में, वो फेल की मदद से, जिन्हें अफाले इमदादी कहते हैं या इमदादी फेल कहते हैं, यानी एक फेल का दूसरे फेल के साथ मिलके तरकीबी अफाल बनना या फेल बनना, फ्रेजल वर्ब बनना। मिसाल देखें, समझा दिया, ठीक है, समझाना क्या था, फेल था, दिया क्या है, इमदादी फेल है, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, तरकीबी अफाल बन रहे हैं, यानी तरकीबी फेल फ्रेजल वर्ब। जैसे पढ़ा लिया, पढ़ाना क्या है, फेल है, और लिया इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो पढ़ा लिया क्या बना रहा है, इमदादी तरकीबी फेल।
उसके बाद उठा लिया बनाने का दूसरे अफाल की मदद से बनता है, यानी फेल की बात करते हैं। फेल अगर किसी और लफ्ज़ के साथ मिलके तरकीबी फेल बनाना चाहे तो उसके तरीके क्या हैं, वो दूसरे अफाल यानी इमदादी अफाल के साथ मिलके बनेगा। दूसरा तरीका था अफाल को इस्मा या सिफात से मिला दिया जाए, यानी फेल को सिफ्त के साथ, एडजेक्टिव के साथ और या इसम के साथ। मिसाल देखें, नईम तेज भागा। अब यहाँ तीनों मिलके बना रहे हैं, नईम इसम है, तेज क्या है सिफ्त है, और भागा फेल है। ऐसे असलम आहिस्ता दौड़ा, ठीक है। दो तरीके, या तो फेल और इमदादी फेल मिलकर बनेंगे, या तो अफाल को इस्मा या सिफात से मिला दिया जाएगा। और फिर इस्मा व सिफात की तरकीब से देख लें अल्फाज कैसे बनते हैं। दम भरना, दम क्या है इसम है, भरना क्या है फेल। रास्ता देखना, रास्ता क्या है जी बताएं, साथ साथ आपसे पूछ रहा हूं जी, देखना क्या है इसम, ठीक है। ये किस तरकीब से बना, 1 मिनट, ओके। रास्ता देखना, अगर वो आपसे सवाल पूछता है, रास्ता देखना तरकीबी फेल के दो तरीकों में से कौन सा तरीका है, कैसे बना, आप क्या कहेंगे? रास्ता नाउन है, इसम है, देखना क्या है वर्ब है, तो इसम और वर्ब की मदद से बना, ठीक है। बर आना क्या है, जैसे मुरादों का बर आना, बर क्या है, बर का मतलब है पूरा होना जी, यस सपना यू आर राइट, ठीक है। सिफ्त है और आना फेल है, तो ये सिफत और फेल की तरकीब से बन रहा है। बाज आना, बाज आना यानी आप कहते हैं ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं, ठीक है, आप बाज आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या है, हाँ अवॉइड करना क्या हो सकता है, यस वेरी गुड, ठीक है। ये सिफ्त और फेल की मदद से बन रहा है। बाज रखना, अब ये किस तरकीब से बन रहा है, पहले तो बाज आना था, अब बाज रखना, किस तरकीब से बना है, हिदायत खान, इस पे जैसे मैंने एक पेपर में भी रखा था मॉक टेस्ट में, कि इसमें मंदरजा ज़ैल में से तरकीबी फेल की पहचान करें, क्योंकि फेल तो फेल है, इसम अलग से दिया जाएगा, भागना नईम वगैरह, लेकिन तरकीबी फेल में समझा दिया इस तरह का कोई लफ्ज़ होगा, तो आपने वहाँ पहचान कैसे करनी है, आपने ये देखना है कि या तो फेल और फेल मिल के तरकीबी फेल बनता है, या फेल और इसम, या फेल और सिफ्त, इन तीनों में से है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उर्दू में तरकीबी फेल है, ठीक है। पहले बाज में बाज आना सिफ्त और फेल की तरकीब से था, दूसरे नंबर पे जो बाज रखना है वो फेल और फेल की तरकीब में था। उसके बाद है दिलासा देना, दिलासा क्या है, यस, और देना ना वो वर्ब, ये इसम और फेल की तरकीब से आ रहा है, ठीक है। आप इस तरह के अल्फाज बना के मुझे लिखें यहाँ चैट पे, बताएं, जैसे दम भरना, रास्ता देखना, बर आना, बाज रखना, दिलासा देना, ओके। ये छुट्टी देना किसने लिखा है,
आज कोई ब्रेक नहीं है, कोर्स ही कम रह गया है, वो पढ़ के फिर हम रिपीट करेंगे एक दफा। ओके सही है, एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखें, तरकीबी अफाल वो तरकीब जो फेल से मुतल्लिक हो, यानी एक फेलिया जुमले के अंदर अल्फाज की तरकीब क्या होती है। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया कि तरकीबी अफाल उर्दू ग्रामर की रूह से कैसे बनते हैं। जैसे पहले नंबर पे हमने कहा पहला उसूल दूसरे अफाल की मदद से बनते हैं, जिन्हें अफाल इमदादी कहते हैं। जैसे मिसाल, समझा दिया, पढ़ा लिया, उठा लिया, ये फेल और फेल या इमदादी फेल मिलके बन रहे थे, तो इनको हमने कहा वो अफाल जो इमदादी फेल के जरिए बन रहे हैं। दूसरा उसूल पढ़ा अफाल को इस्मा या सिफात से मिला दिया जाए। मिसाल में हमने कहा नईम तेज भागा, नईम इसम, तेज सिफ्त और भागा क्या है, वर्ब यानी फेल। तो इस्मा और सिफात की तरकीब से ये फेलिया जुमला बन रहा है। और फिर इस्मा और सिफात की तरकीब से मंदरज झेल अल्फाज जो बन रहे हैं, मुरक्कब अल्फाज, जैसे दम भरना, रास्ता देखना, बर आना, बाज आना, बाज रखना, दिलासा देना वगैरह। तो ये तरकीबी अफ़ाल हैं। उसके बाद जुमले, ठीक है, जुमले की साख्त के का भी आपके सिलेबस में है। तो जुमले की साख्त का अगेन, जैसे हमने तरकीबी अफ़ाल में डिस्कस किया था, जुमले की साख्त में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं। कि एक जुमले के अंदर तरतीब क्या है, अल्फाज की तरकीब क्या है। जैसे वो पढ़ता है, वो फाइल है, पढ़ना उसके मुतल्लिक खबर दी जा रही है, और है फेले रब थे। दम इसम है, ठीक है। तो फाइल को दूसरे लफ्जों में उर्दू ग्रामर की रूह से मुब्तिदा कहा जाता है, और उससे मुतलिक अगर कोई बात कही जाए फाइल के मुतलिक, तो वो खबर कहलाती है। और जो मुब्तिदा और खबर को जोड़ दे उसको फेले रब्त कहा जाता है। जैसे जुमला देखें, वो पढ़ता है, वो क्या है, मुब्तिदा है। मुब्तिदा वो है जिसके बारे में जुमले में कोई खबर दी जाए, जिसके काम के बारे में बताया जाए, और खबर मुब्तिदा के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको खबर कहते हैं, और फेले रब जो मुब्तिदा और खबर को जोड़ दे। जैसे जिशान लिखता है, जिशान क्या है, मुब्तिदा है, लिखना क्या है, उससे मुतलिक जो खबर है, जो इंफॉर्मेशन है वो है, और है ने क्या किया है, उन दोनों को जोड़ दिया है, मुब्तिदा और खबर को। जैसे हम कहते हैं जीशान लिखता, ठीक है, अब इसमें रब्त कायम नहीं था, हमने कहा है या था या लिखेगा, तो अब ये क्या कह रहा है, फेले रब्त इनको क्या कर रहा है, मुब्तिदा और खबर को जोड़ रहा है, उसका लिंक बना रहा है। अब जुमलों की दो इकसाम हैं, एक है मुनफरिद जुमला जिसको आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वो पढ़ता है, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक मुब्तिदा है, खबर है और फेले रब्त है। और मुरक्कब दूसरा जुमला, मुरक्कब जुमले दो मुनफरिद जुमले मिलते हैं जिनको हुरूफ आपस में जोड़ते हैं, जैसे हुरूफ इत्फ, और वो पढ़ता है और लिखता भी है। अब ये क्या है, दो जुमले हुरूफ इत्फ और की के सहारे से मिल रहे हैं, तो इनको मुरक्कब
कहते हैं जी, कंपाउंड सेंटेंस। मुरक्कब जो जुमले होते हैं, यस सिंपल एंड कंपाउंड। मुरक्कब जुमले कंपाउंड